नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण का शेड्यूल हुआ जारी, फैसला और रिजल्ट आना अभी बाकी। तो उधर छात्रों और शिक्षकों के छुट्टी के लिए राज्यपाल महोदय ने ले लिया संज्ञान। वहीं बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में एक माननीय मंत्री के हाथ होने का खुलासा। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार के शिक्षा जगत के लिए वर्तमान समय काफ़ी अहम चल रहे हैं। उसके अंतर्गत तमाम शिक्षकों की सबसे बड़ी आस माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय पर है, साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट पर है। तो वहीं शिक्षा विभाग आनन फानन में आकर तमाम शिक्षकों को ट्रांसफर करने पर तुली हुई है। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आज ही एक पत्र जारी किया है जिसके अंतर्गत तमाम शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित शेड्यूल जारी कर दी गई है और वो प्रमंडल स्तर पर तिथियां निर्धारित की गई है और वो तिथियां है 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि तमाम प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा मुख्यालय में उपस्थित होकर उक्त तिथि को रिक्तियां से संबंधित डाटा अपलोड कराएंगे। साथियों, इस क्रम में हम बता दें कि जहां शिक्षा विभाग द्वारा तमाम शिक्षकों के ऊपर बार बार उंगलियां उठाई जाती है, इनके फर्जीवाड़े को लेकर सवाल किए जाते हैं, इनके गुणवत्ता को लेकर बार बार खबरें फैलाई जाती है, वहीं शिक्षा विभाग भी अब त्रुटि से भर गई है। आज जो शेड्यूल जारी किए गए हैं उसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ही एक बहुत बड़ी गलती कर दी गई है जो कि तिथियों के लिए अंकित है। 1 से लेकर 5 अप्रैल 2024 तक तिथियां बिल्कुल सही है, परंतु 6 अप्रैल 7 अप्रैल और 8 अप्रैल जो वर्ष 2024 होना चाहिए था उसे वर्ष 2028 अंकित कर दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर से शिक्षा विभाग के ऊपर ही ये सवाल खड़ा हो गया है कि शिक्षकों के ऊपर बार बार निराधार सवाल उठाने के कारण ही आज शिक्षा विभाग द्वारा बार बार गलतियां सामने उजागर हो रही है। साथियों, उधर तमाम शिक्षक इस इंतजार में है कि सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आखिर कब आएंगे। साथ ही साथ बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षक इस आशा में बैठे हैं कि माननीय पटना उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय आखिर कब आएंगे, क्योंकि जो भी ट्रांसफर की नीति है, जो भी राजकर्मी की बात है, वे सभी के सभी माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय पर ही निर्भर करती है। लेकिन इस संबंध में हम आपको बता दें कि सबसे पहले सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट, जिसका शेड्यूल 23 मार्च 2024 पूर्व से ही निर्धारित है, आखिर उस तिथि को सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी हो पाता है या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि पूर्व से ही के पाठक महोदय ने इसके लिए शेड्यूल निर्धारित कर दी है। उधर 23 मार्च 2024 को इंटरमीडिएट कक्षा के तमाम छात्रों का रिजल्ट 1:30 बजे अपराह्न में जारी किया जाएगा। ऐसे में बहुत कम ही उम्मीद लगाई जा सकती है कि सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट 23 मार्च को जारी किया जाएगा। वैसे देखना है कि तमाम शिक्षा विभाग माननीय के पाठक महोदय के आदेशों को पूरा पूरा पालन करते हैं, आखिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उनके आदेशों का पालन किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, ये तो 23 मार्च 2024 का वक्त ही बताएगा। साथियों, उधर तमाम शिक्षकों और छात्रों की छुट्टी के लिए अब बिहार सरकार से ऊपर राज्यपाल महोदय ने संज्ञान ले लिए हैं। इसके अंतर्गत राजभवन की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जो पत्र अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के नाम से प्रेषित है। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि 29 मार्च 2024 जिस दिन गुड फ्राइडे की छुट्टी है, तो वही प्राथमिक कक्षा के परीक्षाओं का आयोजन उक्त तिथि को शिक्षा विभाग द्वारा कर दिया गया है। ऐसे में जिसकी सूचना राजभवन को प्राप्त हुई है और त्योहारों को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा उक्त तिथि को गुड फ्राइडे की छुट्टी देते हुए परीक्षा को स्थगित कर देना चाहिए। साथियों, उधर बीपीएससी TRE 3 के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक माननीय मंत्री के नाम का खुलासा हुआ है, जिसके अंतर्गत ये बातें कही गई है कि पेपर लीक मामले का सूत्रधार बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री है। इसके संबंध में खुले रूप से आर्थिक अपराध इकाई को पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कांत दास ने टेलीफोन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है। इन बिंदुओं पर जांच किया जाए और दोषी पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए।
साथियों आइए अपनी खुली आंखों से देखिए और सुनिए कि आखिर पूर्व आईपीएस महोदय ने क्या और कैसे आर्थिक अपराध इकाई को शिकायत की है। कहाँ से बोल रहे हैं? EOU से। EOU में एक पेपर लीक के बारे में बहुत बड़ी सूचना देनी है, जो पेपर TRE3 का लीक हुआ है ना। इस पूरे पेपर लीक कांड के सूत्रधार बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय हैं, है ना, तो इस बिंदु पर भी जांच होनी चाहिए। नाम क्या बता सकता? मैं नाम नहीं बता सकता। हेलो, हाँ, तो इसको आप काइंडली अपने लॉग बुक में नोट कर लीजिएगा कि इस समय ये सूचना मिली है, और वरीय अधिकारियों को दिखाइएगा कि बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री इस पेपर लीक कांड के सूत्रधार हैं, इसलिए EOU निर्भीकता से और निष्पक्षता से इस बिंदु पर जांच कर रहे हैं। TRE 30 की जो परीक्षा हुई है उसके पेपर लीक कांड में बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय सूत्रधार हैं। हाँ हाँ, एक माननीय मंत्री महोदय पेपर लीक कांड के सूत्रधार हैं। हाँ, तो इस बिंदु पर EOU को जांच करनी चाहिए। क्या नहीं नहीं माननीय मंत्री महोदय का भी मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये बात पक्की है कि माननीय मंत्री महोदय। क्या बोले? नहीं नहीं, मैं मीडिया से नहीं हूँ। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं मीडिया से नहीं हूँ। उधर तमाम शिक्षकों के काउंसलिंग से संबंधित वायरल हो रहे पत्र के संबंध में, जिसके लिए मैंने पिछले वीडियो में खबर चलाई थी और जिसका शीर्षक मैंने दिया था नियोजित शिक्षक करेंगे काउंसलिंग का बहिष्कार, और उसके अंतर्गत सबसे बड़ी बात मैंने कहा था, उस वायरल पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि तमाम शिक्षकों को अपने नवपदस्थापित विद्यालय में योगदान करने से पूर्व अपने नियोजन इकाई में त्याग पत्र देना होगा और त्याग पत्र की स्वीकृति के संबंध में पत्र भी अटैच कराना होगा। साथियों इस संबंध में शिक्षक नेताओं ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने भी इस पर चर्चा की है। शिक्षक एकता मंच के जावाद नेता बंसीधर ब्रजवासी ने इसके संबंध में कानूनी रूप से कुछ बातें कही है। आइए अपनी खुली आंखों से देखिए और सुनिए आखिर वे क्या कहते हैं। कि अब एक फॉर्मेट घूम रहा है पूरा सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा जा रहा है कि जो लोग भी सक्षमता परीक्षा पास कर जाएंगे उनको अपने नियोजन इकाई में इस्तीफा देना पड़ेगा, और जब रिजाइन करेंगे तब ये नए जगह पर ज्वाइन करेंगे। तो जब रिजाइन करेंगे और नए जगह पर ज्वाइन करेंगे तब तो इनका फ्रेश अपॉइंटमेंट हो गया, तो निश्चित रूप से कोर्ट इस चीज को स्ट्राइक डाउन करेगा। इसलिए कि जब फ्रेश अपॉइंटमेंट कभी भी होगा तो वहां आरक्षण रोस्टर को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आरक्षण रोस्टर को तो फॉलो कर नहीं रहे हैं, फ्रेश अपॉइंटमेंट हो नहीं रहा है, तो फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए आरक्षण रोस्टर को फॉलो करना एकदम बाध्यकारी प्रोविजन है, जो कहीं यह नहीं बनाया गया है। निश्चित रूप से इस परीक्षा के माध्यम से जो एब्जॉर्ब करने की जो नीति है उसमें कोर्ट दखलअंदाजी कर देगा कि आप परीक्षा के माध्यम से आप एब्जॉर्ब नहीं कीजिए, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए दूसरा क्राइटेरिया आप निर्धारित कर दीजिए, ये हो सकता है। लेकिन परीक्षा लेने जैसी बात, फिर नए सिरे से फिर आरक्षण रोस्टर फॉलो हो, और आप पंचायतों से आपने जो नियोजन का अधिकार छीन लिया है, वह नियोजन का अधिकार, प्रमोशन का अधिकार, कि शिक्षकों को आप प्रोन्नति नहीं देंगे, कि आपने अभी जो कह दिया कि प्रोन्नति दावा के रूप में आप नहीं कर सकते हैं, प्रमोशन आपका दावा नहीं होगा, वो अगर रिक्ति उपलब्ध रहेगी तो आपको प्रोन्नति मिलेगी, तो ये सब चीज़ जो है नहीं चलने वाली है। और प्रधानाध्यापक वाले मामले में भी मामला फंस जाएगा, इसलिए निश्चित रूप से सीधे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों को सीधे शिक्षा विभाग के अधीन सामंजित करने के लिए कुछ न कुछ डायरेक्शन होगा, और जो लोग पंचायती राज में बने रहना चाहते हैं वो यथास्थिति बने रहेंगे, उनकी जो बहाली का अधिकार है वो बहाली का अधिकार फिर से उनको मिल जाएगा, जिला स्तर पर अपीलीय प्राधिकार उनके लिए बना रहेगा, और फैसला जो आएगा वह एक नया इतिहास गढ़ देगा। साथियों चलते चलते हम बता दें,
कि तमाम शिक्षकों के न्याय निर्णय से संबंधित माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अब होली के तुरंत बाद ही फैसला सुना दिया जाएगा और वो भी न्याय निर्णय तमाम शिक्षकों के पक्ष में बिना शर्त राजकर्मी के दर्जे के रूप में मिल जाएंगे। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, एक अच्छे से कमेंट के साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद जय भारत।